गेम्स के T20 इंटरनेशनल में नेपाल ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिस इज व्हाट यू कॉल अ बॉलर्स नाइटमेयर। नेपाल की टीम ने T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़े स्कोर का नया रिकॉर्ड बनाया है। नमस्कार दोस्तों, नेपाल ने जैसे ही T20 में नेपाल वर्सेस मंगोलिया के मैच में 7 रिकॉर्ड एक ही मैच में बनाए, वैसे ही दुनिया भर के मीडिया ने इसको रिपोर्ट करना शुरू कर दिया और दुनिया भर की मीडिया में नेपाली क्रिकेटर्स को लेकर रिएक्शन आने लगे। यूके की फेमस मीडिया द गार्डियंस ने इस मैच की क्लिप डाली और इनके रिकॉर्ड्स को शेयर किया। इंडियन मीडिया में तो पूरा भूचाल आ चुका था, ऑलमोस्ट हर न्यूज चैनल ने इस क्लिप्स को कवर किया। गोइंग ऑन टू स्कोर ओवर 300 रन्स इन T20 क्रिकेट, कैन यू बिलीव इट। में चल रहे एशियन गेम्स के क्रिकेट इवेंट में नेपाल की टीम ने T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़े स्कोर का नया रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही नेपाल के बल्लेबाजों ने युवराज सिंह और रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। वहीं कुछ ऐसा ही माहौल पाकिस्तान की न्यूज मीडिया पर भी देखने को मिला। तोड़ दिए हैं। नेपाल ने 3 विकेटों पर 314 रन बनाकर T20 तारीख का सबसे बड़ा मजमूआ बना डाला। दीपेंद्र सिंह ने युवराज सिंह का 3350 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। दीपेंद्र सिंह ने सिर्फ 9 गेंदों पर 50 रन बना डाले हैं। इसके अलावा रिएक्शन क्रिकेट वर्ल्ड से देखने को जरूर मिला। इसके अलावा कई सारे न्यूज मीडिया से बहुत सारे पोस्ट भी देखने को मिले, जैसे कि France 24 ने पोस्ट करके इस खबर को ब्रेक किया। वहीं फेमस न्यूज संस्था BBC ने इसको कवर किया BBC स्पोर्ट्स के जरिए, और इसमें न्यूज एजेंसी राइटर्स भी पीछे नहीं हटी। इन रिकॉर्ड्स को लेकर राइटर्स के भी पोस्ट देखने को मिले, तो वेस्टर्न और एशियन जगत में काफी सारे पोस्ट देखने को मिले। इसी तरह मिडिल ईस्ट में फेमस न्यूज एजेंसी अल जजीरा ने भी नेपाल के इन रिकॉर्ड्स को शेयर किया और खूब सराहना की। तो ऑलमोस्ट दुनिया भर के सारे ही मीडिया ने इसको कवर किया और इस रिकॉर्ड्स की सराहना की। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट में जरूर बताइएगा, और क्या आप इससे प्राउड महसूस करते हैं एज ए नेपाली, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा नेपाली क्रिकेट टीम के लिए। और ऐसी और लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए NI News with Shivam।